देश में मुख्यमंत्री के सख्त फैसलों की बात हो तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, खासकर जब उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की। इस नीति की व्यापक चर्चा हुई और इसे अन्य राज्यों में भी अपनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में कदम और आगे बढ़ाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार को छतरपुर में इस कार्यवाही में पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के आलिशान घर और 3 लग्जरी गाड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई थाने पर पथराव के मामले में की गई, जिसके मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद 100 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस कार्रवाई के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मच गई है और यह खबर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच इस कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राज्य सरकारें बिना तलाश पर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाले मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो संसदीय सीट से सांसद बीडी शर्मा ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, उन्होंने जिस तरह आतंक मचाने का काम किया, ऐसे गुंडे ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भी नहीं चल सकते, ऐसे में नेस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे।